देसिंग ब्रॉडकास्ट की ओर से सभी बैंक साथियों को नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि IBA की तरफ से इनविटेशन मिला है ऑफिसर एसोसिएशन के ग्रुप को और वर्कमैन ग्रुप को फॉर साइनिंग द फाइनल जॉइंट नोट। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर हुई कि 9 नवंबर 2020 को IBA UFBO के बीच में जॉइंट नोट और बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने जा रहा है और सभी बैंक कर्मचारियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो जो होगा जो मिलेगा दिवाली से पहले मिल जाएगा, त्योहारों में मौसम में थोड़ा उनको पैसा तो मिलेगा और वाइज सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इस सर्कुलर के आने के बाद ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें क्लियर कट उन्होंने ये लिख दिया गया कि हम इस मीटिंग में जो आपने 9 नवंबर 2020 को मुंबई में बुलवाई है हम उसमें भाग नहीं ले सकते। दोस्तों, ये सर्कुलर जो चार ऑफिसर यूनियंस हैं उनकी तरफ से इशू किया गया 5 नवंबर 2020 को और इसको संबोधन किया गया है श्री SK कक्कर, सीनियर एडवाइज़र HR&IR इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। दोस्तों, इस सर्कुलर में उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है अपने पहले से 3 लेटर्स का, जिसमें एक लेटर उसका 5 नवंबर का जो कल का डेट में इशू हुआ था और सेकंड IBA चेयरमैन को 17 अक्टूबर और 3 नवंबर, तीन जॉइंट नोट जो एड्रेस किए हुए हैं उनका उन्होंने रेफरेंस दिया गया है। और इस लेटर में दोस्तों सीधी सी बात आपको मैं कंक्लूज करके ही बताऊं, ज़्यादा लंबा चौड़ा सर्कुलर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी बैंक साथी पहले से ही ये सर्कुलर पढ़ चुके हैं। इसमें मेन मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, इन्होंने चार पॉइंट पे इन्होंने डिस्कस किया है इस सर्कुलर में। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि ऑफिसर ग्रुप ने कहा कि जब 12 अक्टूबर 15, 16, 17 अक्टूबर को IBA की तरफ से ये एक कंटिन्यू मीटिंग का इनविटेशन था कि जब तक जॉइंट नोट सेटलमेंट साइन नहीं हो जाता तब तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन उसके बाद ही जब 18 तारीख को जॉइंट नोट साइन करने का टाइम था तो IBA बैकफुट पे चला गया और साइन करने से मना कर दिया गया। और सेकंडली इसमें दोस्तों ये बताया है कि जब तक हमारे नॉन फाइनेंशियल जो रीज़न हैं इश्यूज हैं 24 अगस्त 2020 को जो डिस्कस हुए थे, जैसे कि 5-day week पेंशन अपडेशन, बैंक कर्मचारी जिनकी पेंशन कम से कम 25 साल से रिवाइज नहीं हुई, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी हर बार जो सेटलमेंट साइन होता है तो पेंशन रिवाइज होती है। और थर्ड इन्होंने लिखा है कि जैसे कि लीव रूल चेंजेस के बारे में ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते तब तक हम बायपार्टाइट के जहाँ सेटलमेंट को साइन नहीं करेंगे। इसमें दोस्तों थर्ड पॉइंट में फिर बताया गया है कि देर आर आल्सो पर्टाइंट इश्यूज लिस्टेड नॉन फाइनेंशियल इश्यूज फॉर विच डिस्कशन वॉज हेल्ड ऑन द 15 अक्टूबर 2020 एंड मिनट्स वर टू बी ड्रॉन ऑफ द कम्प्लीटेड एंड सेम नॉट येट टू बी फाइनलाइज। दोस्तों 15 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये इश्यूज उठाए गए थे लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फर्दर जब 3 नवंबर को दोबारा मीटिंग हुई थी उसमें दोबारा से फिर इन सब मुद्दों को उठाया गया, देख अभी तक उनकी कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और लास्ट में तो इन्होंने ये क्लियर कट लिखा हुआ है, इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन द फॉरगोइंग वो एक्सप्रेस और अनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन द 9 नवंबर 2020। दोस्तों ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप लिया गया कि जब तक हमारे ये कुछ नॉन फाइनेंशियल मुद्दे सॉल्व नहीं होते हम बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं करेंगे। लेकिन IBA ने तो ये अपने सर्कुलर में ये कहा था कि इन मुद्दों को बाद में देख लिया जाएगा, पहले से हम इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट को साइन कर दें। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि वर्कमैन ग्रुप की जो पे स्केल है वो तो फाइनल हो चुका, लेकिन ऑफिसर ग्रुप का जो पे स्केल है वो अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ। इसके साथ ही दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसकी सुनवाई भी 9 नवंबर 2020 को है। ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये स्टेप तो लिया गया लेकिन लिया बहुत देर बाद लिया गया। दोस्तों पहले ही सेटलमेंट को ड्यू होते होते हुए 3 साल हो चुके हैं लेकिन बैंक कर्मचारियों की ऐसी हालत है कि जितना ही हो सके मिल जाए, बस टाइम से मिल जाए, क्योंकि 3 साल निकल चुके हैं। अगर ऐसे ही चलते गए तो हो सकता है जो रहते 2 साल हैं वो भी निकल जाएं। सो फ्रेंड्स, अपडेटेड न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
If you like this video, then kindly share and press the like button. Thank you for watching this video.